गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 पाठ नंबर 4 ईदगाह। कल हमने पूरे पाठ की रीडिंग की थी, इसके शब्दार्थ किए थे और आज हम करेंगे इसके सही विकल्प। आज कक्षा कार्य में इसके सही विकल्प करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, हमीद किसके साथ रहता था? दादी, दोस्त, अम्मी। तो आप बता सकते हो किसके साथ रहता था? दादी के साथ। हमीद कैसा बालक था? अमीर, बदमाश, गरीब। तो हमीद कैसा बालक था? सही विकल्प में आएगा गरीब। हिंडोले में बैठने के लिए कितने रुपए लगते थे? हिंडोले के कितनी फीस थी, जो मतलब झूले की तरह होता है? तो 2 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये। तो इसका सही विकल्प होगा 3 रुपये। हमीद ने मेले से दादी के लिए क्या खरीदा? मिठाई, चिमटा, खिलौना। तो सही विकल्प क्या होगा? चिमटा। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, ये भी आज के कक्षा कार्य में रहेगा। देखिए, पहला प्रश्न है, हमीद क्या सोचकर चरखी पर नहीं बैठा? चरखी जो गोल गोल घूमने की होती है, बच्चे जिसमें बैठकर बहुत ही खुश होते हैं, तो हमीद क्या सोचकर नहीं बैठा उस पर? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, हमीद ने सोचा गोल गोल घूमने से क्या फ़ायदा, सिर चकराएगा। हमीद क्या सोचकर उस पर नहीं बैठा कि गोल गोल घूमने से क्या होगा, बेकार में सिर ही चकराएगा, और वो उस चरखी पर नहीं बैठा। हमीद, अगला क्वेश्चन है, हमीद ने चिमटे को खिलौना क्यों कहा? क्योंकि चिमटा कंधे पर रखो तो बंदूक है और हथेली पर मारो तो बाजा है, इसलिए हमीद ने चिमटे को खिलौना कहा है। चिमटा खिलौना का काम कर देता है, अगर हम उसे कंधे पर रखेंगे तो वो बंदूक बन जाएगा और हथेली पर हम उसको बजाएंगे तो वो बाजे का काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, हमीद ने मिठाई क्यों नहीं खाई? जब उसके सारे दोस्त मिठाई की दुकान पर मिठाई खा रहे थे तो उसने क्या सोचकर मिठाई नहीं खाई? क्यों नहीं खाई? क्योंकि हमीद ने सोचा मिठाई खानी क्या ज़रूरी है, दादी ने सेवैया बनाई है, मैं घर जाकर वो ही खा लूँगा। मतलब वो अपना मन समझा रहा है कि ये खानी कोई ज़रूरी नहीं है, दादी ने घर पर सेवैया बनाई तो है, मैं वो ही जाकर खा लूँगा। हमीद की दादी को किस बात की फिक्र थी, उसे किस बात की चिंता थी? दादी को फिक्र थी, इसका आंसर है, दादी को फिक्र थी कि हमीद अकेला है, वह किसके साथ ईदगाह जाएगा। सभी बच्चे जब अपने माँ बाप के साथ जा रहे थे तो उसकी दादी को चिंता हो रही थी कि ये तो अकेला है, ये किसके साथ जाएगा, मैं किसके साथ भेजूँ इसे। तो इस बात की उसकी दादी को चिंता हो रही थी। दादी की आँखें क्यों भर आई? जब हमीद उसके लिए चिमटा लेकर आता है तो उसकी आँखें क्यों भर आती है? क्यों? क्योंकि हमीद को उसके लिए इतनी फिक्र करते देख, वो अपनी दादी की फिक्र कर रहा था कि मेरी दादी की रोटी बनाते समय उंगलियां जल जाती है, इसलिए वो और कुछ ना ला करके अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आता है। वो अपने लिए इतनी फिक्र देख देख कर दादी की आँखें भर आई।